हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स यहां पर महत्वपूर्ण सूचना है, और बिहार में कार्यरत जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं सभी ध्यान देंगे इस वीडियो में, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बिहार डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो संघ है उसकी तरफ से यहाँ पर एक आया है ऑफिशियल अपडेट, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप कहीं भी किसी भी विभाग में बिहार में काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर, तो वीडियो को जरूर देखिए। और जो बिहार में बेल्ट्रॉन के अंदर भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट या इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आया है अपडेट आपको मिल जाएगा, आज का जो पेपर है प्रभात खबर का, वहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपडेट है, देखिए यहाँ पर बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ की तरफ से आया है, और यहाँ पर जो बेल्ट्रॉन तरफ से भी आया है, तो इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा अपडेट। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए फ्रेंड्स मैं आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी। देखिए यहाँ दिया गया अपडेट कि डेटा एंट्री ऑपरेटर 5 व 6 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। तो क्यों रहेंगे उसका पूरा अपडेट नीचे दिया गया है, क्या क्या बात है। यहाँ देखिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर वेतन विसंगति, वेतन भुगतान में विलंब, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश सहित अन्य मांगों को लेकर 5 व 6 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है 3 व 4 फरवरी को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, यानी 3 और 4 फरवरी को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, उसके बाद 5 और 6 को जो है सभी एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। क्यों रहेंगे तो यहाँ देखिए कि बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ के जो संयोजक हैं प्रभात कुमार ने कहा कि 1 फरवरी तक सरकार द्वारा ऑपरेटरों की मांग नहीं माने जाने पर निर्णय लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी ने विज्ञापन दे दिया है सरकार को, या जो भी काम कर रहे हैं विभाग में, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 1 फरवरी तक इन लोगों का मांग नहीं माना गया तब जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि 3-4 को काम करेंगे काला बिल्ला लगाकर और 5-6 को रहेंगे सामूहिक अवकाश पर, अगर मांगे मान ली जाती है तो फिर ये सब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है एस साहब अहमद ने कहा कि ईआरपी सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन में देर होने से पिछले 4 माह से जो है बेल्ट्रॉन की ओर से किसी कर्मी का बिल नहीं बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं तो किसी भी कर्मी का जो है अभी तक 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, क्योंकि जो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर है जिसके मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर वो अभी तक ठीक से इंस्टॉल नहीं हो पाया है, काम नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है अभी 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है बेल्ट्रॉन के कर्मियों को। और जो यहाँ पर महासचिव हैं विशाल कुमार ने कहा कि 60 साल की सेवा निर्धारित होने के बावजूद सेवा वापसी पर रोक, सेवा को ख़त्म नहीं करना है बीच में कहीं भी, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। 10 साल की सेवा करने वाले सभी दक्षता परीक्षा पास डेटा एंट्री ऑपरेटर को ग्रेड 1 के बराबर जो है मानदेय भुगतान होना चाहिए, और 3 साल की सेवा पूरी करने वाले को ग्रेड 2 के बराबर मानदेय भुगतान मिलना चाहिए। यानी ये सब मांगे रखा गया है बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ के द्वारा, जिसमें कि बेल्ट्रॉन भी आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो भी किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर, चाहे बेल्ट्रॉन में हो या कहीं भी हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये जो यहाँ पर बोला गया है सचिव के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, या फिर जो बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर संघ के द्वारा जो संयोजक हैं प्रभात कुमार, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप भी ये लोग का साथ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं बिहार राज्य में उनके हक के लिए बात की गई है कि बीच में ये लोग को न हटाया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात मैं और कर लूँ कि जो अभी जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो बहाली हो रहा है, वो तो बहाली तो कहीं कहीं पर हो गया है, लेकिन बोल रहा है कि 3 महीने के अंदर में जो है आपको जो एग्ज़ाम होगा बेल्ट्रॉन के द्वारा वो पास करना अनिवार्य है, अगर पास नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहीं भी फॉर्म मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, और आप लोग जाइए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस प्रभात कुमार, इनसे मिलिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग बात रखिए कि हम लोग का भी अब जो है इसमें कर दिया गया है और 3 महीने के अंदर पास करना जरूरी है। फ्रेंड्स आप लोग सब मिलकर रहिएगा संघ में तो आप लोग को जो है कुछ नहीं होगा, अगर अलग रहिएगा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए
और जो इन लोग का मांग है उस मांग के साथ रहिए कि 3-4 को आप लोग कहना भी लगाइए और साथ में जो है 5-6 को सामूहिक अवकाश में रहिए। पहले आप लोग एक बार मिल लीजिए और एक साथ में एक मिल के मीटिंग कीजिए कि कैसे कैसे काम करना है आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप तक फ्रेंड्स जो भी आता है अपडेट तो उसको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को सारी जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का इसके बारे में क्या राय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।